हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 से 5 की वर्कशीट को हल करेंगे। यह प्रयास अभ्यास पुस्तिका समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से जारी की गई है, जो हमारा घर हमारा विद्यालय चरण 3 से लिया गया है। इसकी वर्कशीट क्रमांक 22 पर हम कार्य करेंगे। यह प्रयास पुस्तिका हमें अपने विद्यालय में कक्षा शिक्षकों के या शिक्षकों के माध्यम से आपको प्राप्त होगी, जिसे आप ग्रीष्मकालीन अवकाश पर इसे भर करके अपने विद्यालय में जमा करेंगे। इससे आपको 40 अंक प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्त होंगे। तो वर्कशीट 22 को हल करें इससे पूर्व, अगर चैनल को आपके द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होते रहेगी। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, देखो सोचो बात करो। तो हम इस क्षेत्र को बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे और इस क्षेत्र को देखने के बाद में हम इसमें सोचेंगे फिर बात करेंगे। तो इस क्षेत्र में हम एक तालाब या सरोवर का हम चित्र देख रहे हैं, जिसमें मछली कूदते हुए इसमें नज़र आ रही है और यहाँ पर मछली को पकड़ने के मछली मारने के लिए जंगली जो है पशु पक्षी इसके पीछे लगे हुए हैं। इस चित्र में ऐसा हमको दिखाई दे रहा है और चित्र बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, आकर्षक भी है। तो इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि एक मछली को मारने के लिए जीव जंतु जो है पक्षी इसके पीछे डंडा लेकर के भाग रहे हैं, मछली तालाब में सरोवर में कूदने के लिए तैयार है। तो इस तरह से हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 2 है, सबसे बड़ी संख्या को गोले में लिखिए। अब सबसे बड़ी संख्या को हमें गोले में लिखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या इस लाइन पंक्ति में हमें जो है, जैसे 6, 14, 21, 50, 60, 37, 45, 49, 13, तो ऐसे हम के इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 50 है। तो इसको हमें गोले में लिखना है। तो ये हमें दिखाया गया है। अब हम यहाँ देखेंगे हम कि 29, 38, 43, 33, 9, 18, 23, 50 और 43, यहाँ जो है 43, इस बॉक्स में 43 बड़ा है। इस बॉक्स में देखेंगे 30, 9, 18, यहाँ 50 देख लिए इसका, और यहाँ जो है यहाँ सबसे बड़ी संख्या 23, 50 और 43, यहाँ 50 है। इस तरह से हम इसको सबसे बड़ी संख्या गोले में लिख देंगे। यहाँ पर हमको 6 बड़ा दिखाई दे रहा है, 5, 3, 6 बड़ा दिखाई दे रहा है, और यहाँ 48, 8 और 28, तो 48 इसमें बड़ा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे हम तीसरा प्रश्न, सबसे छोटी संख्या को खाली स्थान में लिखिए। सबसे छोटी संख्या जो है इसमें पंक्ति में 1, 2, 8, 9, 15 और 5, तो सबसे छोटी संख्या 1 है, तो 1 यहाँ पर लिखा हुआ उदाहरण के तौर पर। यहाँ पर देखेंगे हम सबसे छोटी संख्या 20, 22, 21, 24, 28, 17, तो यहाँ 17 सबसे छोटी संख्या थी, यहाँ हम 17 लिख देंगे। त्रुटिपूर्ण 20 लिखा गया है, तो इसको 17 आप कर लेंगे। इसके बाद देखिए आप 6, 16, 32, 19, 4, यहाँ पर 4 सबसे छोटी इसमें है, तो 4 हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे 28, 26, 15, 2, 30 और 10, तो यहाँ सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। हम यहाँ देखेंगे 5, 7, 8, 3, 9 और 6, तो 3 इसमें सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पर इसको लिखा गया है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न तीसरा कि सबसे छोटी संख्या को खाली स्थान में लिखिए। सबसे छोटी संख्या इस क्षेत्र में हम देखेंगे यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। फिर हम यहाँ देखेंगे 2, 4, 6, 6 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर, यहाँ 2 है, तो 2 यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे 3, 2 और 1, 1 यहाँ पर है, तो 1 लिख देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ सबसे छोटी 1 है, तो इस संख्या को हम यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह हमारी वर्कशीट 22 जो है हल हो जाती है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब हर 10 वर्कशीट के बाद एक मूल्यांकन शीट प्रयास से पुस्तिका में रहती है, तो हम मूल्यांकन शीट 2 को हम हल करेंगे।
इसलिए इस वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।